हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन बहुत ही प्यारा मीसो साड़ी हॉल होने वाला है। आज के हॉल में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारी प्यारी वेडिंग वियर, पार्टी वियर, फेस्टिव वियर साड़ी होने वाली है। बहुत ही प्यारा से कलेक्शन है, ह्यूज हॉल होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन एंड बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से इजीली आप इन सबको बाय कर सकते हो जो भी आपको पसंद आती है। साथ में इसको आप जो तीज आ रही है ना, एक तीज तो अभी बीत गई है और एक आने वाली है। वो कौन सी तीज होती है, कुछ लोगों की यहाँ वो तीज होती है, तो उसके लिए भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आते हैं तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड वेडिंग वगैरह के लिए तो ये फंक्शन और फेस्टिवल वगैरह के लिए तो ये कलेक्शन होने वाला है बहुत ही प्यारा सा। स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट साड़ी से, जो कि बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसमें रेडीमेड ब्लाउज आपको मिल जाता है। ये है इसका ब्लाउज, बहुत ही प्यारा सा, फुल्ली स्टिच है, बहुत प्यारा सा। एंड ये साड़ी है, हाईली रिकमेंड पीस है। जब मैंने ये देखा था ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये मीशो की साड़ी है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फुल्ली स्टिच ब्लाउज मिलता है इस तरह का, और नेक पे आप देखोगे ये लेस वर्क है, बहुत ही प्यारी सी लेस लगाई गई है नेक पे इस तरह से। और इस तरह से बेल्ट वाला ब्लाउज है, पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ब्लाउज की स्टिचिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है। इतनी स्लीव्स मिल जाती है, ब्लाउज रेड कलर में है तो बहुत सारी साड़ी के साथ आपकी चलेगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये लेस किनारी पे मिल जाती है स्लीव्स की भी। बैक से इस तरह का मिलेगा, डीप नेक मिलेगा, बैक पे इसका क्लोजर मिल जाता है। यहाँ से ओपन करके आप इसको वियर कर सकते हो। डीप नेक है, बहुत ही प्यारा सा, साथ में डोरी मिल जाती है इसमें ये। और अंदर से अगर मैं बात करूँ तो जो इनर लगाया गया है वो मीडियम क्वालिटी का है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा सा पीस है ये। और इसका जो नेक है ना, कुछ इस टाइप से आएगा ना, तो ये शेप बहुत प्यारी लगती है, जो कि इस टाइम ट्रेंड में भी है। अंदर से अगर मैं बात करूँ तो इंटरलॉक वगैरह करके दिया गया है, स्टिचिंग वगैरह भी अच्छी है। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब अल्टर वगैरह करा सकते हो, इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। एंड 28 तक तो ये इजिली आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और इसमें अंदर फैब्रिक भी बहुत छोड़ा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत टाइट होता है तो आप सही करा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है। और साथ में मैं इसके दिखाती हूँ कलर कॉम्बिनेशन। जब इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी को वियर करोगे ना, लाइक अ डिजाइनर पीस ये है। ऐसा जो पीस होता है ना, वो डिजाइनर पीस कहलाते हैं। बट ये बहुत सही प्राइस में आपको बहुत ही प्यारा सा पार्टी वियर पीस मिल रहा है। इसको आप तीज पे भी वियर कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट सा लुक आपको मिलेगा। इसका जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक मुझे नहीं पता कौन सा फैब्रिक है, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है ये। जब उसमें लिखा हुआ होगा ना, मैं आपको मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल। इसमें हल्का हल्का सा क्रश सा होता है ये इस तरह का। और कलर ना एकदम डिफरेंट सा कलर, इस तरह के कलर ना, क्योंकि सेम सेम से कलर हम बहुत ज्यादा पहनते हैं, और जब डिफरेंट कलर पहनते हैं तो साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब लुक बहुत अच्छा आता है। किनारी पे ये लेस मिलेगी जिसमें सीक्वेंस एंड जरी का इस तरह से वर्क है ना, लीफ लीफ बनाई गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है लेस, बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी। मुझे इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको डिजाइनर पीस पसंद है ना, वो इस साड़ी को ट्राई कर सकते हो। ये लेस आपको पूरी साड़ी पे मिल जाती है, इवन पल्लू पोर्शन के साइड, ऊपर और नीचे पूरे साइड। एंड लेस देखो कितनी प्यारी सी लेस है, ये बहुत ही प्यारी सी लेस है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, जिनको पसंद आ रही है ना, देखो जल्दी से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मेरे साथ तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वीडियो जाते ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने लगते हैं। ये लेस आपको पूरी साड़ी पे मिल जाएगी। अंदर से अगर मैं बात करूँ तो कुछ पोर्शन इसमें प्लेन मिलेगा, जो कि 1 मीटर पोर्शन है, उसके बाद ये लेस स्टार्ट हो रही है। इनको थोड़ी सी लेस और देनी थी, इसमें ये प्रॉब्लम की है इन्होंने, बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी साड़ियों में ये प्रॉब्लम हो रही है। बट साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। जिन लोगों को भी ये साड़ी पसंद आ रही है ना, वो मतलब बिना सोचे एकदम ऑर्डर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये साड़ी बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा पीस है। इस तरह के पीसेस मीशो पे मिलना भाई लक की बात है। और एक प्रॉब्लम और मीशो पे आ रही है, जो कि हो रहा है कि मीशो पे अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया और मैंने उसका ना लिंक या कोड भी दे दिया, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट ओपन हो रहा है। तो ये मीशो पे प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो कुछ और ही शो होता है, तो कोड सही होता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में ही, मीशो में ही है।
नेक्स्ट साड़ी अगेन हमारी बहुत ज्यादा प्यारी है, ये भी आप किसी भी फेस्टिवल पे तीज के लिए भी ले सकते हो और वेडिंग वगैरह के लिए भी ले सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे भी वेयर कर सकते हो, राखी के लिए भी ले सकते हो। बहुत ही प्यारा सा पीस है, इस तरह की साड़ी है पूरी, और ये लेस वर्क मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। ये साड़ी ना जो न्यूली मैरिड है या फिर किसी की वेडिंग होने वाली है वो भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसका मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसके किनारे पे ना पूरी पे बहुत प्यारी लेस मिलेगी। पहले मैं बीच में से दिखा देती हूँ, इसका जो फैब्रिक है लाइक विस्कोस टाइप का है, जो विस्कोस लिखा होता है ना, सिल्क विस्कोस सिल्क करके, वो वाला फैब्रिक है। बहुत सॉफ्ट, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और लाइक बनारसी टाइप की ये मतलब देखने में लगती है, बट ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इस तरह का ना ये सारा वर्क वीविंग का वर्क है, ये पूरी साड़ी पे इस तरह से मिल जाता है, ऊपर नीचे इस तरह से ये बॉर्डर मिल जाता है, और साथ में ये लेस वर्क, ये पूरी ना ये जो है ये लेस लगाई गई है ऊपर से, ये और ये किनारे पे जो स्ट्राइप से किरण वगैरह होती है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जो लोग सर पे रखते हैं ना उनको ये बहुत अच्छा लुक देती है, जब इसको सर पे रखते हैं ना तो एक डिफरेंट सा लुक आता है। जैसे पूजा वगैरह में भी इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, न्यूली मैरिड के ऊपर तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये साड़ी आप बाय कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा पीस है। इस तरह का वर्क में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, और पूरा ये वाला जो वर्क है विविंग में है, और ये वाली जो लेस वर्क है वो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ की गई है। पूरी ओवरऑल साड़ी पे इसी तरह का ये वर्क मिलने वाला है, ऊपर नीचे बॉर्डर बीच में, इस तरह का वर्क वियर करने के बाद ऑसम लगेगी ये साड़ी। इसका जो पल्लू पोर्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का वर्क है पल्लू पोर्शन पे, ये बहुत ही प्यारा सैन किरारी पे अगेन ये वाली लेस आपको मिल जाती है। ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, मतलब कलर आई थिंक इसमें एक ही है या फिर और कलर मेरे को याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी या फिर आप देख लीजिएगा, जैसे आप ओपन करोगे ना वहां पे शो हो जाएगा। अंदर से कुछ साड़ी आपको प्लेन मिलती है जो कि 80 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा साड़ी है, लाइक 90 सेंटीमीटर, और ये अंदर के साइड आ जाएगी, इस तरह से लाइनिंग में है, उसके बाद ये वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो ये पोर्शन अंदर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता थोड़े से ज्यादा टक इन कर लीजिएगा आ जाएगा, बट साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो दिया हुआ है इस तरह का, इस ब्लाउज पे भी बहुत ही प्यारा सा वर्क है, ये आप देख सकते हो। ये फ्रंट पे सेम इसी तरह का बैक आपको मिल जाता है, ये आप देखिए इस तरह से, और स्लीव्स मिलेंगी आपको इस तरह की, और साथ में ना ये लेस वर्क भी दिया हुआ है, ये लेस जो है आपको मिल जाती है जो कि आप बैक पे स्लीव्स पे कहीं पे भी लगवा सकते हो। साड़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो स्टॉक में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है, थोड़ी सी भी पसंद आपको आ रही है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, और आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो उसके लिए घंटी के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट साड़ी अगेन आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी सी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप भी बोलोगे क्योंकि ये साड़ी है ही बहुत ही प्यारी सी। ये आप देखो हैवी वर्क के साथ है, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कुछ साड़ियां हैवी में दिखाइए, क्योंकि जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उनमें हैवी वर्क में पहनते हैं, एंड इसमें ना ग्रीन कलर भी आपको मिल जाएगा, रेड कलर भी, तो आप इसको तीज के लिए भी ले सकते हो, जो तीज आने वाली है ना उसके लिए ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही हैवी सी साड़ी है। ज्यादातर लोग हैवी वर्क वाली साड़ी वियर करना ज्यादा पसंद करते हैं इस तरह के फेस्टिवल में, तो ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। क्लियर हो जाएगा आपको इसमें, सिर्फ आपको कलर चेंज करना है, कोई डाउट नहीं है, सेम ही पीस मिलेगा। किनारी पे आप देखो बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है जो कि जरी की है, और जरी ना रेड इज गोल्डन में होती है ना, एक जरी उसका कलर है ये, आप देख सकते हो जो कलर आपको दिख रहा है ना, जो येलो वाला होता है वो मेरे को कम पसंद है, तो ये वाला कलर जरी का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये ना वैसा नहीं लगता, मतलब थोड़ा गंदा सा लगता है जो येलो वाला आता है, ये वाला बहुत प्यारा लगता है, ब्लैक किस वाला जो बोल सकते हो आप, वो वाला जरी का वर्क है पूरी ही साड़ी पे। इधर आप देखो ऊपर भी और नीचे भी सेम इस तरह का वर्क है, फिनिशिंग मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है। इवन पल्लू पोर्शन के साइड भी यही वर्क है, बीच में ये पूरी साड़ी पे स्टोन वर्क है, और इसका फैब्रिक है साड़ी का विचित्रा सिल्क, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा प्यारा फैब्रिक है। ये साड़ी काफी प्यारी सी है, जब आप वेयर करोगे ना आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा, वेडिंग फंक्शन या फिर फेस्टिवल किसी में भी आप इसको वेयर कर सकते हो। जो टर्न होके पोर्शन आएगा उस पे तो पूरे पे स्टोन वर्क है, लेकिन जो नीचे पोर्शन आएगा या प्लीट्स पोर्शन है वो उस पे हाफ पे ये वर्क है, ऊपर के साइड साड़ी आपको प्लेन मिल जाती है।
अंदर की साइड से अगर मैं बताऊं तो इसमें देखो काफी पोर्शन प्लेन दिया हुआ है, जो कि इस साड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो इसमें से ब्लाउज कट हो जाएगा, जो कि आई थिंक हाँ इतना हम ब्लाउज कट कर देते हैं। उसके बाद जो साड़ी में प्लेन पोर्शन है वो है अगेन 1 मीटर, 1 मीटर फैब्रिक प्लेन दिया हुआ है, तो इसमें बैक साइड पे प्लेन पोर्शन आना ही है। ये साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं इसके साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो साड़ी को बहुत ज्यादा प्यारी है। सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है, बाकी साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है और मेरी तरफ से वैसे हाईली रिकमेंड है। एक ही प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बैक साइड पे प्लेन पोर्शन आएगा। इसका जो ब्लाउज अंदर के साइड दिया हुआ है वो है ये, यहाँ से आप कट करा लोगे, एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलता है। फ्रंट पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाती है, बैक के लिए प्लेन पोर्शन मिलता है, एंड स्लीव्स के लिए भी प्लेन पोर्शन मिल जाता है। बहुत ही प्यारे से पीस है और वियर करने के बाद साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने अकॉर्डिंग आप कलर इसमें चेंज कर सकते हो, वैसे साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है येल्लो कलर में, बहुत ही प्यारा सा पीस है, बांधनी प्रिंट में एम्ब्रॉयडरी के साथ साड़ी दी हुई है। बहुत ही प्यारा सा पीस लग रहा है, अभी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा पीस है, ये पूरा बांधनी प्रिंट है, साड़ी का फैब्रिक है सीफोन एंड किनारी पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, बॉर्डर क्रिएट करा गया है जो कि बहुत ही प्यारा सा है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ जरी का और धागे का वर्क किया गया है। ये वाला धागे का वर्क है और ये वाला जरी का वर्क है। किनारी पे ये पाइपिंग भी मिल जाती है गोल्डन कलर की और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, बहुत ही क्लीन नीट एंड क्लीन वर्क है, जिसकी वजह से साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन हाईली रिकमेंड पीस है इसका फैब्रिक, इसकी क्वालिटी, सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये जो प्रिंट है ना, ये सारा प्रिंट अंदर से है तो निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। पल्लू पोर्शन के साइड भी यही बॉर्डर मिलेगा और ये टसल्स मिलेंगी पल्लू पोर्शन के साइड, ये बीच बीच में टसल्स लगाई गई है इस तरह से। साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और कलर आई थिंक इसमें और भी आपको मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आपको पसंद हो ना आप वो ले सकते हो। बहुत ही प्यारे से पीस है और ये कलर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर से अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पोर्शन प्लेन आपको मिलता है वो इतना है, 1 मीटर, 1 मीटर पोर्शन इसमें भी प्लेन मिल जाता है। उसके बाद ये बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली है। इसमें जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो दिया हुआ है इस तरह का गोल्डन कलर में, ये आप देख सकते हो। अंदर के साइड अटैच किया गया है, 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है गोल्डन कलर का। इस पे आप व्हाइट ब्लाउज भी वेयर कर सकते हो अगर आपके पास व्हाइट ब्लाउज है, या फिर गोल्डन तो आप ये दिया हुआ है, थोड़ा रफ वाला है, वैसे गोल्डन रफ रफ सा ही होता है, अच्छा है, आप बनवा सकते हो अगर बनवाना चाहते हो। 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है, साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, प्राइस के अकॉर्डिंग सुपर साड़ी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से अगर आपको पसंद आती है तो इजीली आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट साड़ी है वो थोड़ी सी मैंने प्रिंटेड में रखी है, बट बहुत ही प्यारा सा पीस है, बांधनी प्रिंट में है और ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट फैब्रिक, बहुत ही प्यारा सा पीस है, सिंपल सोबर सा है, डेली वेयर के लिए ले सकते हो या फिर आपको कुछ लाइट पहनना है तीज वगैरह पे तब भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि हर कोई हैवी ही नहीं पहनता, कुछ लोग सिंपल सोबर भी पहनना मतलब वेयर करना पसंद करते हैं। तो पूरी साड़ी इस तरह के प्रिंट में मिलेगी, आप देखो इसमें ना कलर भी यूज किए गए हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, उसकी वजह से काफी प्यारी लग रही है और फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और फैब्रिक में भी ना हल्की सी लाइनिंग है, प्लेन फैब्रिक नहीं है, हल्की सी लाइनिंग दिख रही है। किनारी पे ये बॉर्डर मिल जाएगा आपको इस तरह से, पूरी साड़ी पे ये बॉर्डर मिलेगा इस तरह का, काफी प्यारा सा बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरह का जरी का वर्क है, इस पे वीविंग वर्क, इस तरह का बॉर्डर पूरी साड़ी पे मिल जाता है। पल्लू पोर्शन के साइड भी ये बॉर्डर मिलेगा, साथ में ये इस तरह से टसल्स वाली ना लेस लगाई गई है इस तरह की, जो कि काफी प्यारी लग रही है। ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी, प्यारी सी है, डेली वियर के लिए परफेक्ट पीस है, कलर ऑप्शन बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो। इसमें जो ब्लाउज का फैब्रिक आपको मिलेगा वो इस तरह के प्रिंट में मिलेगा, छोटा छोटा सा प्रिंट है और सारे ही प्रिंट ना इस साड़ी में अंदर से है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, छोटा छोटा सा फैब्रिक मतलब प्रिंट है इसके ऊपर और ये बॉर्डर भी मिल जाता है। तो साड़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पसंद आती है तो बाय कर सकते हो, अच्छा पीस है। नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है अगेन प्रिंटेड में है, बहुत ही प्यारी से, ये आप अपने लिए, अपनी मदर इन लॉ वगैरह के लिए भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट वेट, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है सीफोन फैब्रिक है,
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इसके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छे यूज किए गए हैं, बहुत ही प्यारा सा पीस है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस पे जो प्रिंट है वो सारा प्रिंट अंदर से है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रिंट हट नहीं जाए, क्योंकि जो ऊपर से प्रिंट होते हैं ना वो हमेशा डाउट में रहते हैं हटेगा या नहीं हटेगा, बट जो अंदर से प्रिंट होते हैं उसमें तो कोई चांस ही नहीं होता। कैसे भी इनको वॉश करो, आप हैंड वॉश मशीन वॉश कैसे भी कर सकते हो, पूरी साड़ी इस तरह की प्रिंट में मिलेगी। आप देखो इसमें जो कलर यूज किए गए हैं उसकी वजह से ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इस पे आप ये इसमें से पिंक रेड किसी भी कलर का ब्लाउज वेयर करोगे ना तो आप देखो साड़ी कितनी प्यारी लगेगी। रेड ब्लाउज के साथ भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, जब कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ कोई भी साड़ी वेयर करो ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये प्रिंट पूरी साड़ी पे है, सारा प्रिंट अंदर से है, सीफॉन फैब्रिक है, किनारी पे साड़ी पे ये बॉर्डर मिलेगा, ऊपर नीचे पल्लू पोर्शन के साइड पूरे पे ये बॉर्डर लगाया गया है। इस तरह से सिंपल सोवर से साड़ी है, काफी प्यारा सा पीस है, पल्लू पोर्शन के साइड ये टसल्स भी लगाई गई है। ये आप देखो इस तरह की ये टसल्स आपको पल्लू पोर्शन पे मिल जाते हैं, तो काफी प्यारा सा पीस है। ओवरऑल साड़ी इसी तरह की आपको मिलेगी, ये आप देखो। और इसमें जो ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिल्क वाला फैब्रिक, मीडियम क्वालिटी का है, 80 सेंटीमीटर फैब्रिक दिया हुआ है, ये बॉर्डर भी दिया हुआ है थोड़ा सा, तो आप चाहो तो बनवा सकते हो, बट मेरी अगर चॉइस आप देखो तो इस पे रेड पिंक या फिर ये जो कलर है इस तरह के कलर के ब्लाउज ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये कलर के ब्लाउज अगर आप पहनते हो ना तो इस साड़ी का लुक बहुत अच्छा आएगा, और ये ब्लाउज भी आप चाहो तो बनवा सकते हो, मीडियम क्वालिटी का इसमें ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है। नेक्स्ट साड़ी जो है ये है हमारी लहरिया में, लहरिया प्रिंट में, बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड लहरिया प्रिंट हमेशा, लहरिया और बांधनी प्रिंट ना हमेशा ही ट्रेंड में रहता है। प्यारा सा पीस है, इस पे गोटा पट्टी का वर्क भी हो रखा है, और लहरिया प्रिंट में साड़ी है तो हमेशा ट्रेंड में रहने वाली है, किसी भी फेस्टिवल में, वेडिंग वगैरह में या फिर पूजा वगैरह में आप इसको बिना सोचे वियर कर सकते हो, इस तरह की साड़ी है। किनारी पे आप देखोगे ये लेस ऊपर से बॉर्डर क्रिएट करा गया है, ऊपर से मतलब लगा के ना फैब्रिक की बॉर्डर क्रिएट करा गया है, जिसमें आपको गोटा पट्टी का और जरी का वर्क मिल जाता है। ये गोटा पट्टी है जो अंदर फिल है और ये जरी का वर्क है, ये आप देखो बहुत नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है। ये आप देखो ये ऊपर और नीचे पूरे में आपको मिल जाएगा, और इवन पल्लू पोर्शन के साइड भी यही बॉर्डर मिलेगा। किनारी पे ग्रीन कलर की पाइपिंग लगाई गई है, और ग्रीन के साथ जो कॉम्बिनेशन आएगा ना इसका बहुत ही प्यारा आएगा, इसके आप साथ आप ग्रीन ब्लाउज भी वेयर कर सकते हो। बीच में ये लहरिया प्रिंट है इस तरह का, जो कि काफी प्यारा लग रहा है, और सारा प्रिंट अंदर से है। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, बहुत अच्छा वाला जॉर्जेट है, जो एक हल्का दानेदार टाइप का जॉर्जेट होता है ना वो है इसका फैब्रिक, जो की बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बाकी पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिल जाती है, यही लेस वर्क और सॉरी यही बॉर्डर और यही प्रिंट आपको पूरी साड़ी पे मिलेगा। अब देखो इसका जो ब्लाउज है वो इस साड़ी को और भी प्यारा बना रहे, क्योंकि इस पे दिया हुआ है ग्रीन कलर का ब्लाउज, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना जब इसका ब्लाउज आप वेयर करोगे ग्रीन कलर का, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा बनेगा, पिंक एंड ग्रीन का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है, एंड जब आप वेयर करते हो ना लुक बहुत अच्छा देते हैं, मतलब मिलता है आपको। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, बॉर्डर साथ में मिल जाता है पूरी साड़ी पे इस तरह से, और ये है ब्लाउज का फैब्रिक, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा। और मैंने ये चीज नहीं बताई कि अंदर से ना इसमें जो पोर्शन प्लेन मिल रहा है वो 90 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत पोर्शन प्लेन आ सकता है, और हो सकता है नहीं भी आए तो हल्का सा ज्यादा टक इन कर लीजिएगा, या फिर ब्लाउज पे ना लगवा के आप ब्लाउज प्लेन बनवा लीजिए और ये बॉर्डर हटवा के आप यहाँ पे ऐड करा लीजिए, तो ये साड़ी बिल्कुल भी प्लेन पोर्शन इसमें आपको नहीं आएगा। तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है, ऑसम साड़ी है, बहुत ही प्यारा सा पीस है। लिंक अगेन इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी अगेन प्रिंटेड में रखी है, सिंपल सोवर साड़ी भी होनी चाहिए और हैवी भी होनी चाहिए हॉल में, कि जिसको जैसी चॉइस है वो उसके अकॉर्डिंग ले सके, और सब लोगों की चॉइस का ध्यान रखते हुए, मतलब सारी साड़ियां हम लोगों को रखनी पड़ती हैं, तो मैंने सब लोगों की चॉइस का ध्यान रखा है, किसी को सॉफ्ट प्रिंटेड और किसी को एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी चाहिए। तो ये जो साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देखो पहले आप, कितना प्यारा सा है, इस तरह के कलर ना बहुत प्यारे लगते हैं वियर करने के बाद, इनके जो कलर कॉम्बिनेशन से ही ना साड़ी का लुक अच्छा होता है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं होगा ना तो कितनी भी कॉस्टली साड़ी हो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आप देखो इस तरह की प्रिंटेड साड़ी है, पूरा प्रिंट है ऊपर नीचे, इस तरह से ये
बॉर्डर मिल जाता है, मतलब इस कलर की मिलेगी और बीच में से साड़ी इस कलर की मिलेगी। ये आप देखो इस तरह की, ये सारा ही प्रिंट है अंदर से, ये पूरा प्रिंट अंदर से है, ये कोई भी प्रिंट ऊपर से नहीं है, नीचे इस तरह से, ऊपर भी इस तरह से और बीच में इस तरह से। तो बहुत सिंपल सोबर सी साड़ी है, बट बहुत प्यारी सी साड़ी है। पूरी साड़ी आपको इसी तरह की प्रिंट में मिलेगी। इसका जो पल्लू पोर्शन मिलेगा उस पर कुछ इस तरह का प्रिंट मिलेगा और साइड में इस तरह से ये लेस लगाई गई है टसल्स वाली। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इस पे फॉल्स स्टोन जो होते हैं ना, फॉल्स ये इस तरह के गोल्डन कलर के जो फॉल्स स्टोन होते हैं ना, वो भी लगाए गए हैं पल्लू पोर्शन पे भी, और जहां से ये टर्न होके आ रही है ना, वहां पे भी कहीं कहीं लगाए गए हैं इस तरह से। और साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल साड़ी है। इसको आप बाय कर सकते हो अगर आपको इस तरह की साड़ियां पहनना वेयर करना पसंद है। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसी में अंदर के साइड मिल जाता है, 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है, इस तरह का प्रिंट है ब्लाउज पे, तो ये भी आप बनवा सकते हो। या फिर कोई भी आपको आपके पास इस तरह का प्लेन ब्लाउज है ना पिंक कलर का, वो भी आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। डार्क पिंक यानी रानी कलर है ये थोड़ा सा, तो उस तरह का ब्लाउज अगर आपके पास है तो आप वेयर कर सकते हो। साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। सभी के लिंक जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यार ऐसे कमेंट मेरे लिए जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कौन सी साड़ी आपको पसंद आई है, आगे किस तरह के हॉल्स देखना पसंद करोगे, प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे एक बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।